बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रही सो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और उसमें के मैप्स की बात बात हो रही है पिछली दफ़ा हमने थ्री वेरिएबल के के मैप्स को देखा था और कुछ चार वेरिएबल के के मैप्स को देख लिया था और साथ हमने कुछ ग्रोपिंग की हमने कुछ प्रैक्टिस की थी और उसमें कुछ चीज़ें कंक्लूड की थी कि कैसे हम ग्रुप्स को बनाते हैं कैसे ज़्यादा ग्रुप से बचते हैं और किस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं आज मज़ीद चार वेरिएबल के मैप को हम देख लेते हैं सो so ये चार एग्जांपल्स हैं आपके पास और इन एग्जांपल्स को हम कर लेते हैं सो so जो पहली एग्जांपल है जिसमें फ़ोर सिक्स सेवन फिफ्टीन आपके पास मौजूद है सो so ये बेसिकली इस तरीके से आपके पास हमने ग्रुप इसको कर लेना है मतलब जिस तरह तीन वेरिएबल में हम ग्रुप्स को बनाते थे उसी तरीके से चार वेरिएबल में भी हमने ग्रुप्स को बना लेना है सो so, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उधर तीन वे, वे, के कहते हैं नंबर्स के साथ या तीन बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा था यहाँ चार पे होगा फॉर एग्जांपल जिस तरह फोर है तो फोर की बाइनरी क्या होती है सो so, फोर की बाइनरी आपके पास ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो होती है सो so, ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो को यहाँ पर मैप कर देना है इस तरह वट इज़ द बाइनरी ऑफ सिक्स सिक्स की बाइनरी मेरे पास क्या होती है सिक्स की बाइनरी मेरे पास दिस इज द बाइनरी ऑफ सिक्स जीरो वन वन जीरो जो सिक्स बाइनरी ठीक है सेवन की बाइनरी क्या होती है सेवन की बाइनरी होती है जीरो वन 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 सो ये है जी ज़ीरो वन 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 और फिर फिफ्टीन की वन 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 सो इस तरीके से मैंने चारों को लिख लेना है अब मैंने जी ग्रुप्स बनाने हैं अब ग्रुप्स जो हैं उसको बनाने की थोड़ी आपके पास प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए अब देखें जिस तरह इन्होंने ये ग्रुप्स बनाए इनका एक ग्रुप बना लिया है, इसका एक ग्रुप बना लिया है सो so, देखें अगर मैं और तरीके से ग्रुप बनाना चाहूँ देखो इन दोनों का ग्रुप मैं बना सकता हूँ सो so, बना सकता हूँ ठीक इन दोनों का ग्रुप भी बन सकता है दो ग्रुप्स हो गए अब इसको अकेला भी छोड़ा जा सकता है अकेला छोड़ते नहीं है तो मैं क्योंकि अन इन्वॉल्व्ड वन है और ये इसके साथ एडजसेंट है सो मैं ये ग्रुप भी बना सकता हूँ मतलब इसके साथ और इसके एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा आ, मिटा इसलिए रहा हूँ कि पेपर पे कैसे ग्रुप बनाते हैं ये भी ज़रा आपको नज़र आ जाए सो इस तरह अच्छा तो जो पेपर पे ग्रुप बनाते हैं उसको यहाँ तो है मेरे पास वो है ना मजबूरी सो उसको इस तरह छोड़ देते हैं ये मैं अगर मिटा सकूँ इसको आ, आ, कैसे मिटेगा ये हाँ जी सो so, उसके एंड्स को छोड़ दिया जाता है इस तरीके से ठीक है और इसके भी एंड्स को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है तो इसका ये मतलब होता है ये इसके साथ ग्रुप बना रहा है तो इस तरीके से ग्रुप बनाते हैं सो so, इस पर मेरे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स तीन बन जाएंगे सो so, तीन जो है वो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स ज़्यादा है मैं कोशिश करता हूँ कि तीन से कम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स की तरफ जाया जाए सो so, जो कि इस एग्ज़ाम्पल में नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बने हैं तो ये देखें ये एक ग्रुप हो गया आ, ये आ गया जी दूसरा ग्रुप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि बाद में मिटा सकूँ ठीक है सो so, ये दो ग्रुप्स आप मेरे पास सॉरी ये मेरे पास आ गए ये इसको इधर से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि पता चले ये कॉर्नर का कॉर्नर के साथ ग्रुप बना हुआ है ऐसे कर लेते होते हैं अच्छा जी सो so, ये देखें दो ग्रुप्स बन गए तो ये तीन से क्या हो गए हैं कम हो गए दो ग्रुप्स आ गए अब इसमें हम उसी तरीके से वो करेंगे क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन करेंगे जिस तरीके से हमने तीन वेरिएबल्स में की थी और पहले इसकी कर लेते हैं ये जो ग्रुप हमारे पास मौजूद है तो ये देखें यू तो इसमें सी और डी कांस्टेंट है वन वन है सो सी डी तो आएगा ही आएगा और इसमें क्या ख़त्म हो जाएगा ये देखें जीरो से वन हो गया ए तो वन ए खत्म हो जाएगा सो बी सी और डी सो so, पहले का आंसर बी सी और डी आ जाएगा अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कॉर्नर वाला ये थ्री वेरिएबल में भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसमें ये और इन दो को छोड़कर इधर जाना होता है ठीक है इसको और इसको देखना होता है ये दो कांस्टेंट होते हैं सो ए कॉम्प्लीमेंट बी तो कांस्टेंट है ठीक है ना तो ये दोनों में कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये रो एक ही है अगर आप गौर से देखें तो ये रो एक ही है सो ए कॉम्प्लीमेंट बी आपके पास आ जाएगा ठीक है और अब हमने इन दो को बीच में से इग्नोर करना होता है सो so, इसको आप बेशक बनाते हुए टेम्पररी क्रॉस भी कर लें कि ये दो नहीं देखने ये मैं क्रॉस कर रहा हूं आपने इन दो को देखना है इसको और इसको तो आप ये ज़रा देखें सी सी जीरो से वन हो गया इसके ऊपर हाथ भी रख सकते हैं आप ये कोई चीज़ भी रख सकते हैं ताकि ये अवर्ड हो आप कंफ्यूज ना हो सो so, सी आपके पास ख़त्म हो गया और डी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया सो ए बी डी कॉम्प्लीमेंट आपका इसके पास जवाब आ जाएगा सो so, ये एक एग्ज़ाम्पल आपके पास फोर वेरिएबल मैप की आ गई अब आगे देखते हैं मजीद अगली एग्ज़ाम्पल देखते हैं सो so, ये एक और एग्ज़ाम्पल है फ़ोर वेरिएबल मैप की एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो है ना

थर्टीन आई गेस इसके ही नीचे है नहीं थर्टीन ये फिफ्टीन है फिफ्टीन इसके नीचे है वन ज़ीरो वन वन इज़ आई गेस फोटीन हाँ सो इट इज़ फोटी आई गेस यस इट इज़ फोटीन अरे बल्कि नहीं ये लिखे हुए हैं सॉरी 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 ये फिफ्टीन है ये थर्टीन है मैं मेरे और नहीं किया ये देखें थ्री यहाँ रहा है सेवन ये, ये बल्कि आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है हाँ कैसे लिखेंगे एम ज़ीरो वन टू ये टू टू के बाद टू के बाद आ, अच्छा ये फ्लिप होता है ठीक है ना सो एम वन टू और थ्री देखिए ये टू ये है ये थ्री है फोर फाइव सिक्स और सेवन सिक्स और सेवन ठीक है सिक्स से, और सेवन ठीक हो गया इसमें सिक्स सेवन और हाँ ये भी फ्लिप होता है इसलिए नीचे चला जाएगा एट और नाइन टेन और इलेवन तो इसको लिख चले पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको पहले हम लिखेंगे कैसे ताकि पिछले वाले में तो ताकि आपको बार बार बाइनरी या क्या कह, कहते हैं उसकी बनाने की जरूरत ना पड़े आप डायरेक्ट ही लिख लें सो so, लिखेंगे ऐसे ऊपर देखेंगे क्या है ये वन है ये सॉरी ये जीरो है ये वन है ठीक है इसका टू इस तरफ है टू थ्री इस तरह से फोर फाइव सिक्स और सेवन सेवन तक जब आ गए तो ये देखेंगे ये भी फ्लिप हो रही है सो एट नाइन टेन एलेवन को पहले लिख लेंगे फिर 12, 13, 14, 15 लिख लेंगे ठीक ये लिखने के बाद फिर आसान है इनको मैप करना आसान है सो तो मैप कैसे करेंगे थ्री थ्री कहाँ आ रहा है जी थ्री ये आ रहा है इधर वन डाल दिया सेवन यहाँ सेवन आ गया थर्टीन यहाँ थर्टीन आ गया फोटीन ये फोटीन है फिफ्टीन ये फिफ्टीन है ठीक है और इलेवन ये इलेवन है इलेवन पीछे रह गया था सो तो ये इलेवन है तो इस तरीके से हम इसकी मैपिंग कर लेंगे मैपिंग के बाद अब हमने इसका ग्रुप बनाने हैं सो so, मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप आपने बनाना है कि भाई आप मैक्सिमम नंबर पे जा सकें सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आप किस तरीके से बना सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस देखें ये चार का आ रहा है मेरे पास तो so इस चार को आपने इकट्ठा एक ग्रुप बना लेना है इन चार का इस तरीके से ठीक अब मेरे पास एक इधर रह गया और एक इधर रह गया और दोनों इससे एसोसिएट हैं तो दोनों को आप बना सकते हैं यूं करके दो आपने ग्रुप बना लेने सो तो इस तरीके से ये आपने ग्रुप बना लेना अब आपने सॉल्व करना है इसको चार में थोड़ा सा इलस्ट्रेट करना इसको ये देखना मुश्किल होता है सो तो खैर प्रैक्टिस से ये मुश्किल नहीं रहेगा अच्छा ओह सॉरी ग्रुप्स मेरे पास से ख़त्म हो गए कौन कौन से बनाए हैं हमने ये ये ग्रुप हमने बनाया था और इसका बनाया था और ये सर बड़े बड़े करके मैं बना ओके अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ अब मैं इसको एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ सो बड़े ग्रुप की तरफ पहले जाते हैं सी डी आपको पता है क्या है कॉमन है इस पूरे लंबे ग्रुप में सो सी डी को हम ले लेंगे सो क्या करेंगे जी देखें ए पहले ज़ीरो ज़ीरो था वन वन हो गया इस ज़ीरो के साथ ये वन इस ज़ीरो के साथ ये वन सो तो ये ख़त्म हो गया सो बी क्या है ज़ीरो वन ठीक है वन जीरो बी भी ख़त्म हो गया सो सी डी जवाब आ गया इसका बात समझ रहे ना कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के साथ कटेगा अरे चार में थोड़ा सा एलिस्ट्रेशन मुश्किल होती है मैंने पहले कहा था ये ज़ीरो इस वन के साथ ख़त्म हो जाएगा चले और ये ज़ीरो इस वन के साथ ख़त्म हो जाएगा आप ये ज़ीरो इस वन के साथ ये वन इस जीरो के साथ तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे सो so सी डी इसका जवाब आ जाएगा अब इसी तरीके से मेरे पास इन दोनों का ग्रुप है ये मेरे ख्याल से इनको लाइट ही रखते हैं ग्रुप्स को ताकि ये ऑलरेडी इस तरीके से बने सो हम इस तरह ही रखते हैं सो ये वाला ग्रुप हो गया था अब इस ग्रुप को देख लेते हैं तो इस ग्रुप में मेरे पास आप अगर देखो तो इस पूरी रो में ए बी ए बी है तो ए बी ले लेंगे सो तो ये ज़ीरो से वन हो रहा है ये क्या हो रहा है जी ज़ीरो से वन हो रहा है तो ये जो ज़ीरो है ये इस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा ठीक अब आ, हाँ इधर जा रहे सो सी वन वन है सो तो सी तो रह जाएगा तो क्या जवाब आ जाएगा इसमें ए बी सी सो ए बी सी इसका जवाब आ जाएगा अब इस ग्रुप को देख लेते हैं इस ग्रुप में मेरे पास इस ग्रुप में वन वन ए बी वन वन है सो ए बी आ जाएगा सो सी सो सी वन वन है तो so सी रह जाएगा सी वन वन है सी रह जाएगा और ये वन डी का वन इससे कट जाएगा सो ए बी इसका ए बी सी जवाब आया था सो so, इसका क्या जवाब आएगा मैं ये वाला कर रहा हूँ ए बी ए बी सी सॉरी इसका जवाब आ जाएगा और इसका जवाब आएगा ए बी और डी सॉरी ए बी डी इसका जवाब आया है और ए बी सी इसका जवाब आ जाएगा सो तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे सो तो मजीद अब हम देखते हैं इसमें एग्जांपल्स अच्छा ये एक और एग्जांपल है इसमें दोबारा दु, दु, मैं आपको बताता हूँ कि पहले वन टू थ्री कैसे लिखना है सो वन टू थ्री के लिए ये, की, ये याद रखें कि ये जो चीज़ें आपस में फ्लिप हैं इधर से ये फ्लिप है इधर से ये फ्लिप है।, है तो ये चीज़ का ख्याल रखना है तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सिक्स सेवन हो गया अब ये भी फ्लिप है सो एट नाइन टेन इलेवन पहले निचली रो लिखनी है टेन इलेवन फिर ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ऐसे लिख लेना फिर मैपिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी मैपिंग क्या करनी है जी जीरो की जगह जीरो वन और फाइव ये है और एट मेरे पास ये है और नाइन ये है अब इसमें इसने कॉर्नर की एडजेसेंट को इसने इस्तेमाल किया और कॉर्नर को ले लिया तो ये देखें जी कॉर्नर के ये दो के साथ ये दो आ जाएगा और इसके साथ इसका ग्रुप बन जाएगा अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो सो ये भी ज़रा थोड़ा सा देखें ये यूं भी जाएगा और यूं भी जाएगा और याद रहे कि ये मेरे पास इसका और इसके दरमियान बन रहा है सो इसमें से ये दो मैं इग्नोर करूँगा पहले ग्रुप के लिए ठीक है ना जैसे पिछली दफ़ा हमने पिछली दफ़ा हमने ये किया था कि यहाँ से यहाँ जा रहे थे ये ये कॉर्नर और इन दोनों को बीच में काटा था इस दफ़ा आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सो ये दो बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे सो आप पहले यूँ जाएंगे सो अच्छा इसमें ऐसे सॉरी ये ए बी सी होना चाहिए तो डब्ल्यू एक्स वाई लिख दिया गया बहरहाल ए ए बी सी के हिसाब से होगा गलती से लिखा गया है डब्ल्यू एक्स वाई जी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बहरहाल सो so, हम ये करेंगे कि ये देखें ये और ये इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज़ीरो से वन हो गया तो डब्ल्यू तो ख़त्म हो जाएगा और एक्स क्या सब या ए या B इसको मैं काट के इसको मैं काट के एक्स वाई डब्ल्यू लिख लेता हूँ ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना आए सो so, ये एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जी है सॉरी डब्ल्यू एक्स सॉरी एक्स वाई और जी आ रहा है सो so, W खत्म हो गया X का कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा ठीक है X का कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा अब यूं चलना है यूं चले यूं चलना है अब यूं तो खैर बहुत आसान है कि ये ये तो रोज में ही हो रहा है ना खैर इधर बेशक नहीं है कोई मसला नहीं लेकिन यूं ट्रांजेक्शन हो रही है ये आपस में एडजेसेंट है ये आपस में एक जैसे एडजेसेंट का मतलब एक साथ हैं आपस में ऊपर नीचे सो डोंट वरी अबाउट इट कि आप यूं जा रहे हैं तो ये बीच में बेशक कुछ भी ना हो खाली हो लेकिन आप यूं जा रहे हैं तो इसका मतलब एडजेसेंट का मतलब ये है कि ये दोनों एक हैं तो ये रोज़ इस तरीके से ही काम आएंगे सो so, इसमें आपके पास Y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और Z खत्म हो जाएगा सो so, X Y कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट इसका जवाब आ गया दूसरा ग्रुप ये इसमें Y कॉम्प्लीमेंट और Z आपके पास कांस्टेंट है क्या खत्म हो जाएगा W आ, आपके पास आ जाएगा W कॉम्प्लीमेंट और X खत्म हो जाएगा सो so, W कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z इसका जवाब आ जाएगा सो so, इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ये मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगा अच्छा सॉरी ये ऊपर ए बी सी है नीचे एक्स वाई में किया हुआ ये थोड़ी सी स्लाइड्स में गलती है सो तो इसको ज़रा देख लें इसको काट के आप डब्ल्यू एक्स वाई जी कर लें चलिए ये मेरे ध्यान में नहीं रहा चलिए खैर है कुछ भी वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई और जी ये बेसिकली हमने इन चारों को इन चारों पे काम करना है ए बी सी डी नहीं है अच्छा जी सो so, अब उसी तरीके से ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बगैर देखे भी आप कर सकते हैं कि पहली रो इस तरह लिखनी है, फिर आखिरी रो के बाद सेकेंड लास्ट रो आपने लिखनी है सो so, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन ये चीज़ें काबू आती रहेंगी अच्छा जी अब बात ये हो रही है कि हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करना है सो so, पहले मैपिंग कर ली ठीक अब इसमें जो ग्रुप्स बन रहे हैं अगर गौर करें तो ये एक ग्रुप बन रहा है अब ये देखें ये कोने वाले ग्रुप्स इसने लिए हैं ये ग्रुप्स इसने लिए हैं जो कोने वाले जब भी ग्रुप्स लें तो उसकी उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कोने वाले ग्रुप्स में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है सो so, ये ग्रुप इसने ये ले लिया और कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं आप मतलब यहाँ एक ग्रुप बना सकते हैं फिर इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं और भी कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ काम ग्रुप्स जितने भी का काम हो ज़्यादा बेहतर है और इसके ऊपर मैं रबर लाल डाल देता हूँ कि ये कॉर्नर वालों को रिप्रेजेंट कर रिप्रजेंट करें तो कॉर्नर के ग्रुप्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा जी तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम इन चार को इस तरह सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये दो तरीके से जाएगा इस तरह जाएगा और इस तरह जाएगा ये आपको पता है अब जिस तरीके से मेरे पास इस तरह सॉल्व हो रहा है बीच में देखें नहीं है तो ये और में ये आप है लिहाजा ये इधर जो सॉल्व होगा वो इस इस तरह भी सॉल्व होगा दोनों को इकट्ठा लेगा ठीक है ना इन दो वंस को और इन दो का जो वर्टिकल है वो एक ही जैसा आएगा और भी इनका एक ही जैसा तभी ये कहलाते है। और एक, एक ही है इसके। so, अब हमारे पास अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो देखें से खत्म हो जाएगा एक्स रह जाएगा, जाएगा। ठीक है इसने मेरे फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सो so, बीच वाले दो को ख़त्म कर देंगे फॉर दिस ग्रुप बीच वाले दो को नहीं देखना हाथ रख लें कुछ चीज़ रख लें इन दो को नहीं देखना आपने सो so, आप क्या करेंगे ये यहाँ से वाई तो, तो ख़त्म हो जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट तो जवाब इसका क्या आइएगा एक्स जी कॉम्प्लीमेंट अब इसको सॉल्व कर लें दूसरे के लिए आप इससे हाथ हटा लें बेशक अच्छा ये ग्रुप है तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें सॉरी ये पूरा का पूरा ये ग्रुप है अच्छा अब इसको सॉल्व कर लें आप तो आ, इस पूरे में देखें सॉरी ये इस पूरे में वाई कॉम्प्लीमेंट और जी कॉमन है जी कॉन्स्टेंट है ये चेंज नहीं हो रहा सो वाई कॉम्प्लीमेंट और जी आपके पास एज इट इज आ जाएगा अब यहाँ से ऊपर से नीचे चलेंगे सो so, W क्या है आपके पास W कॉम्प्लीमेंट X खत्म हो जाएगा W कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अब तीसरा ग्रुप ये है अब इसमें देखें ये इस रो में आ रहा है हॉरिजेंटल देखें तो X W X आपके पास आ जाएगा सो so, W X में आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा सो so, अब आपने इसको और इसको देखना है सो so, Y जो है आपके पास वो तो कॉन्स्टेंट है z खत्म हो जाएगा या z खत्म हो जाएगा w x y रह जाएगा ठीक हो गया सो so, इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लोगे ओके okay. सो so, अब आगे हम देखते हैं ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके पास और इनको आपने कर लेना है या देख लेना है बल्कि इनको अपने पास लिख लें ठीक है पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपने पास लिख लें और इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें जब आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो आ, ये जो है आपके पास मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है तो ये चार वेरिएबल को क्योंकि बार बार सारी एग्ज़ाम्पल करनी मुमकिन नहीं है बहुत सारी और टॉपिक्स भी हैं तो इनको अपने पास काइंडली नोट कर लें ये तकरीबन छः एक प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स दे दिए हैं आपको तो ये बैठ के आप आ, इसको पॉज करके पहले सारों को नोट डाउन कर लें और फिर एक एक करके इसको करते जाएं और पीछे जो चीज़ें बताई हैं उसी हिसाब से इनको करते रहें अच्छा जी अब जो आगे जो लॉजिक आ रही है वो नैंड और नॉर की इम्प्लीमेंटेशन है जैसे पीछे हमने गेट्स में भी नैंड और नॉर की सो तो आपके पास ये दोनों एक ही जैसा एक ही जैसे होते हैं तो ये इसमें बताने की कोशिश हो चुकी है और ये हम पहले भी इसको देख चुके हैं अच्छा जी अब जो आ, अच्छा इसी तरीके से जिस तरह पीछे हमने आ, एंड के आखिर में नॉट लगाया है निगेशन ली है तो वो आर के शुरू के निगेशन के बराबर है यानी आउटपुट की जो निगेशन है नैंड की वो आर के इनपुट की निगेशन के बराबर है इसी तरीके से और की आउटपुट की निगेशन एंड की इनपुट के निगेशन के बराबर है सो so ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अब ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नैंड की लॉजिक के साथ अब आमतौर पर जो टर्म्स होते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स वो हम एंड और, और के साथ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं आप इसको नैंड के साथ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो इनको जब हम नैंड करेंगे ठीक है इनको हम इसको भी उल्टा लेना है ठीक है ना जब इसको भी तो जब हम इसको नैंड करेंगे तो आपके पास आपने जो और लगाया इसके आगे निगेशन करनी है तो इसकी इनपुट पे निगेशन कर ले, सिंपल आ गई बात ठीक इसकी इनपुट पे निगेशन कर लें तो सिंपल आ गई बात अच्छा ये तो आसान है लॉजिक इधर निगेशन करके उसको दोबारा निगेट करके वही ले आए अब ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो है जी नैंड नैंड की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ नैंड गेट्स यूज हो रहे हैं हाँ सिर्फ नैंड गेट्स तो जरा इसकी इंप्लीमेंटेशन को हम देख लेते हैं कि क्या ये वही जवाब आता है जो ये है तो लेट सी अच्छा जी सो so, हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसके ज़रा कलर को मैं रेड कर देता हूँ ताकि वाज नज़र आए अच्छा जी सो so, इधर क्या आएगा मेरे पास ए और बी एंड हुए ठीक है और नेगेशन लगी तो क्या बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ठीक इसी तरीके से इस गेट की क्या जवाब आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट सही हो गया और अच्छा ये जो अकेली इनपुट जो ली है तो ये अकेली इनपुट नहीं होती ये याद रहे हमेशा कि यहाँ पर हम वन लेते हैं ठीक है ना यहाँ पर यहाँ पर हम कोई भी वोल्टेज इसको दे देते हैं मैं वोल्टेज सोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये अकेली नहीं होती कभी भी अकेली मेरे पास ये इनपुट नहीं आती सो मैंने कोई वोल्टेज सोर्स बनाने की कोशिश की है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज दे, दे देते हैं इसको ताकि वन आ जाए यहाँ पे। या इसको ग्राउंड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर ये आपकी मर्जी अच्छा सो ये जो भी आएगा ये जो भी आएगा अगर आपने वन दिया है तो यहाँ पर ये यह आ जाएगा जी ई कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जाम्पल इधर वोल्टेज दिए तो ई कॉम्प कॉम्प्लीमेंट प्लस वन और आपको पता है ई कॉम्प्लीमेंट प्लस वन करो तो ई e कॉम्प्लीमेंट ही जवाब आता है जिसके साथ भी वन करो ये हमने रूल पढ़ा हुआ है तो ये तीन चीज़ें आ गई तो ये ये क्या आ जाएगा ये इक्वल हो जाएगा ई e कॉम्प्लीमेंट के ही ये हमने इसमें रूल को देखा हुआ है सो दिस विल बी ई e कॉम्प्लीमेंट अच्छा जी तो ये चीज़ आ गई अब ये जब तीनों इसमें से गुजरेंगे हाँ तो ये तीनों एंड हो जाएंगे ये तीनों क्या हो जाएंगे एंड हो जाएंगे कहने का मतलब ये है कि ये बन जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है जब एंड में से गुजर गए नेगेशन अभी हमने नहीं की और एंड सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा जी ई e कॉम्प्लीमेंट के साथ ये आ जाएगा अब ये गेट के अंदर एंड का ऑपरेशन हुआ इस गेट के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है याद रहे इस गेट के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है अब जब ये निगेशन आएगा तो निगेशन के बाद ये सारा निगेट हो जाएगा तो जब भी निगेट होता है तो निगेट होने के बाद क्या होता है ऑपरेशन एंड और हो जाता है और एंड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट अनकम्प्लीमेंट हो जाता है अनकॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है सो so, ये जब ये पूरा ऑपरेशन निगेट होगा तो ये क्या बन जाएगा जी ये बन जाएगा ए भी हाँ जी ये ए कॉम्प्लीमेंट से ए बन जाएगा ये बी कॉम्प्लीमेंट से बी बन जाएगा ये क्या बन जाएगा ये एंड बन जाएगा अब ये और बन जाएगा सो इसको और कर लेंगे आगे जो आ रहा है वो सी कॉम्प्लीमेंट तो सी कॉम्प्लीमेंट सी बन जाएगा इसके बाद एंड uh, इसके बाद और आ रहा है और एंड बन जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट डी बन जाएगा फिर एंड आ रहा है और बन जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट ई रह जाएगा तो इस तरीके से ये देखें ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन बराबर है सो नैंड लैंड की जो लॉजिक आपने करनी है नैंड लैंड की लॉजिक में ये चीज़ है कि आपने इसमें Uh, हर गेट से पीछे जितने लेवल ऑफ गेट्स लगाए हैं उसके बाद आपने नैंड लगा दिया है मतलब कहने का ये कि आपने इसमें ये किया है कि दो जिधर दो नैंड लग रहे थे तीसरा एक इजाफी नैंड लगा कर आपने आखिर में नैंड लगा दिया तो ये नैंड नैंड लॉजिक आपके पास आ गई सो तो नैंड नैंड लॉजिक इस तरीके से काम करती है अच्छा जी अब इस लॉजिक को इस तरीके से काम करेगी अब आप इसको मजीद देख लेंगे ये एक एग्ज़ाम्पल है इसको में आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स को भी ट्राई कर सकते हो अच्छा अब ये खैर थ्री वेरिएबल ओके ये इसने ये किया है हमारे पास कि इम्प्लीमेंट किया फॉलोइंग लॉजिक को नैंड की लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है पहले मैपिंग कर ली उसने सो so, ये मैपिंग अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट इसे लिया है हम लोग जो है ना हम इन जीरोस को नहीं लिखते होते आमतौर पे ना अच्छा ये किया क्या है इसने ज़रा ये देख लेते हैं बेसिकली हम जब के मैप बनाते हैं तो के मैप हम के मैप में ये खाना नहीं बनाते होते तो होता ऐसे ही है कि मेरे पास एक्स यहाँ आता है वाई जी यहाँ रह जाता है जो जो चीज़ें जो जो मैप होते हैं उनको हम लिख लेते हैं जैसे ज़ीरो और सिक्स को लिख लिया है ठीक है जो चीज़ें रह जाती हैं उनको हम पीछे मैप पे छोड़ देते होते हैं तो उनको वो बेसिकली अगर ये है तो वो जीरोज़ होती हैं तो जीरोज़ की कोई अहमियत नहीं होती सो हम मैपिंग के लिए उनको छोड़ देते हैं लेकिन जब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है जो टर्म्स इसमें मौजूद नहीं हैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ये मतलब है कि ज़ीरो और सिक्स के अलावा सारी टर्म्स इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ज़ीरो और सिक्स के अलावा सारी टर्म्स जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे उसको हम फिर उसको हम सिंप्लीफाई करके उसका हम उसको हम ले लेंगे चलें इसको ज़रा देख लेते हैं सो so, जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो जीरोस का ग्रुप्स बनाएंगे तो ये चार का ग्रुप बन सकता है ज़ीरो का ठीक है और इन दो का ग्रुप बन सकता है इन दो का ग्रुप बन सकता है अच्छा जी सो so, कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है जीरो का ग्रुप बनाना है सो so, अब जरा इसको इसको फिर सिम्प्लीफाई कर लेना अब ये बीच वाले को हम सिम्प्लीफाई करते हैं सो so, एक्स चला जाएगा इसमें से अब ये देखें ये वाई क्या जीरो से वन वाई चला जाएगा सिर्फ़ जी रह जाएगा सिर्फ जी रह जाएगा अब इसको देख लेते हैं एक्स वन हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट होगा जी चला जाएगा तो देखिए एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया अब इसको देख लेते हैं सो so, इसमें आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट ठीक है और वाई वैसे का वैसे ही रहा और जी चला गया सो so, जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है कॉम्प्लीमेंट जब भी आपने लेना है तो कॉम्प्लीमेंट में यूजिंग नैंड फंक्शन फंक्शन यूजिंग नैंड अभी नैंड से इस हम बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट आपने जब भी लेना है इसमें आपने क्या करना है इसमें आपने ज़ीरो के साथ मैपिंग करनी है सो so, ज़ीरो के साथ आपने मैपिंग करनी है बहरहाल इसको आप तफसील से आगे देखेंगे इन शाला ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए आज के लिए बस इतना ही इन शाला अगली दफ़ा मुलाकात होगी अल्लाह हाफ